आर्ट एंड क्राफ्ट, आज हम डिजाइनर एग से कार्डबोर्ड शीट का सर्कल काटकर उस पर लगाएंगे और रीथ बनाएंगे। करते हैं स्टार्ट। इस तरह से कार्डबोर्ड शीट मैंने काटी है, देखिए इस तरह से कार्डबोर्ड शीट काट ली है सर्कल में, उसके बीच का हिस्सा भी मैंने निकाल दिया है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह की नारियल की रस्सी, इस तरह की रस्सी लेकर इसे दो डबल कर लेंगे। डबल रस्सी को इस तरह से हाथ से रखते हुए इस तरह से हम इस तरह से पूरा इसका इसको कवर करेंगे। इससे देखें नारियल लोब से पूरा कवर करेंगे। देखें इस तरह से करते हैं, बड़ा आसान है क्योंकि ये डबल है तो जल्दी भी हो जाता है। इस तरह से देखें, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हो जाता है। आप रस्सी को डबल कर लें तो जल्दी हो जाएगा, सिंगल करेंगे तो भी हो जाएगा लेकिन थोड़ी टाइम लग सकता है। देखें इस तरह से आप करते जाएं, देखें इस तरह से, देखें पास से देख लें फिर से आप इस तरह से बिल्कुल पास से करते जाएं। आप बिल्कुल इसको चारों तरफ से पूरा सर्कल को कवर कर लें। ये देखें इस तरह से पूरा कवर कर लें आप, और स्टेपल मार सकते हैं और फेविकोल भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप पूरा कवर कर लें। इसी तरह से ये मैंने कवर करके रखा है, देखिए ये रहा कवर करके रखा है। अब मैं ये डिजाइनर एग इसके ऊपर लगाकर इसे डिफरेंट बनाऊंगी। इससे पहले हम इसे हैंग करने के लिए इसके ऊपर इस तरह की सूतली को डबल करके इसके पीछे लगा देते हैं। इस तरह से यहाँ ग्लू लगाऊंगी मैं, थोड़ी सी ग्लू लगाकर मैं ये दोनों सिरे यहाँ चिपका दूंगी। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाकर मैं यहाँ कोई सुंदर सा पीस लगा दूंगी। ये जैसे मेरे पास स्टार पड़ा है, ये मैं स्टार लगा दूंगी ताकि ये छुप भी जाए और इस तरह से पीछे से अच्छा भी दिखे। देखें इस तरह से, ये इस तरह से दिखेगा, हैंग करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, बड़ा सुंदर दिखेगा। तो हमने इसे इस तरह से बना दिया। अब हम एक एक करके ये सारे स्टार इसके ऊपर, ये एग के पीस इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी, आप यहाँ पर ग्लू लगा लें, अदरवाइज आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसका फेस हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से, देखें इस तरह से। फिर इसके बाद मैं चाहूंगी कि मैं इसके साथ का मिलता जुलता कलर लगाऊं, या आप डिफरेंट कलर भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने ये चुना है तो मैं ये लगाने जा रही हूँ। अब इसका फेस हम बाहर की तरफ रखेंगे, इसका फेस हम बाहर की तरफ रखेंगे। मैंने इधर लगाया तो दूसरी तरफ भी मैं यही कलर लगाऊंगी। देखें ये मैंने ग्लू लगाकर इसे यहाँ रखा है, ये फेस मैंने बाहर की तरफ रखा है इनका। सिर्फ इसका फेस मेरी तरफ है, बाकी फेस बाहर की तरफ है। अब क्योंकि पर्पल है इसके साथ मैं इसका कॉम्बी बनाऊंगी, ऑरेंज के साथ मैंने ऑरेंज लिया है, उसका फेस बाहर की तरफ ही रखते हुए मैंने ग्लू लगाया है और मैं इसे यहाँ पर इस तरह से गोलाई में लगा दूंगी। इसी तरह से मैं फिर से ऑरेंज लूंगी, इस तरह से ऑरेंज पे ग्लू लगाते हुए मैं इसे बाहर की तरफ इसके साथ जोड़ते हुए लगा दूंगी इस तरह से। फिर मैं इसके सेंटर में यहाँ पर इस तरह से इसी का पीस इस तरह का लगाऊंगी। देखें ये मैंने लगा दिया इस तरह से सेंटर में, इसका फेस मेरी तरफ है। अब मैं इसके साथ का मिलते जुलते ये दो कलर हैं, फिरोजी इसके साथ का मिलता जुलता कलर है, ये मैं बाहर की तरफ इसका फेस रखते हुए यहाँ चिपकाऊंगी। इस तरह से इसका फेस भी बाहर रखते हुए हम चिपकाएंगे इस तरह से। देखें ये हमारा बहुत सुंदर रीत तैयार हो गया। बच्चे इतने खुश हो जाते हैं इस तरह की चीजें देखकर ना। देखें ये रीत तैयार हो गया, आप यहां से भी देखें, पीछे से भी, पीछे से स्टार लगा हुआ है तो आप देखें कितना सुंदर ये बना है पीस। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है ये रीत। गुड लक, आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं, डिजाइनर एग लेकर आप इसी तरह से तैयार कर सकते हैं।